औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मदद करें, आप की जितनी भी परेशानियाँ उसको दूर करें, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस्तखारा करें, तो जरूर आप अपनी बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी मदद करेगी। अगर आपको किसी किस्म का मसला है, जादू का, बंदिश का, किसी भी किस्म का महज मसला है, तो जरूर अपनी बहन से राबता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज मैं आपको जो अमल बताने लगी हूँ, आपके कोई प्यारा सरकश हो गया है, आपसे नाराज हो गया है, रूठ गया है, आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो उसके लिए ये वजीफा जरूर करें, ये अमल जरूर करें। ये बहुत लाजवाब है और आप जितना जितनी भी मतलब कि अमल की तारीफ की जाए उतनी कम है। बाज़ दफा अपना प्यारा जो इंसान होता है बहुत ज्यादा दिल जलाता है, तकलीफ देता है और परेशान करता है। लाख आप उसके साथ प्यार से पेश आओ, लेकिन वो बिल्कुल भी आपकी बात को नहीं मानता और ना ही उसके दिल में आपकी मोहब्बत जो है बरकरार होती है या करार मतलब कि आपको आप तक नहीं पहुंचता उसका, या आप जितनी बेचैनी होती है वो उसको दिखा नहीं सकते। ऐसे पत्थर दिल प्यारे को, ऐसे पत्थर दिल मियाँ बीवी अगर कोई इस तरह है, तो उनके लिए, उनको मोम करने के लिए जो है सूरह लहब इंतहाई मौजू है। सूरह लहब के कुल अदाद जो उनसे हैं कम से कम 5,822 हैं, 5,822 हैं। तो इनको जैसे मुफ्त तरीके से 3 दर्जे करें, तो मतलब कि इनके क्वांटिटी इनको 3 हिस्सों में तकसीम करें, तो इनका जो दर्जा आता है अदाद का वो है 22, दर्जा अदायत आता है 22, तो 22 का हासिल होता है। तो अपने प्यारे के लिए और उसकी माँ का नाम शामिल करके, यानी आप जब सूरह लहब पढ़ें 22 दफा, तो लास्ट में उसके उस जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम शामिल करके, रोजाना बाद नमाज़े इशा आप रुख अपना, जिस रुख आपका जो है मतलूब यानी जिसको आप तलब कर रहे हैं वो रहता है, उसकी घर घर की तरफ करके सूरह लहब को पढ़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर वो जो आपका जो प्यारा है जो आपसे रूठ गया है वो आपके पाँव में आके गिरेगा, पाँव के बल चलता हुआ वो जो है सर के बल जो उनसा है वो आकर आपके की झुकेगा और आपसे यकीन माने कभी दूर नहीं जाएगा और ना ही कभी नफरत दिखाएगा, ना ही, और ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने उसको अंधा कर दिया। आप ये अमल लाजमन करें इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा जो उनसा है आप ये अमल करके देखिएगा और फिर जरूर मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी परेशानी को दूर करें, तो जरूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और एक बात याद रखें, आपको किसी भी किस्म की परेशानी, दुख तकलीफ या कोई भी मसला है तो हमसे जरूर जो है अपनी बात शेयर भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी बहन आपकी जरूर मदद करेगी। और दूसरा, अगर कोई भी ऐसा मसला है, कोई भी ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत तकलीफ देती है, बहुत आपको जो परेशान किए हुए कोई भी बात है, तो जरूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना इस्तखारा करवाएं और फिर इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। घर में किसी भी किस्म का मसला है, जादू जिन्नात, या किसी ने आपकी बंदिश कर दी, किसी प्यारे ने आपको तोड़ने की जो है कोशिश की है, या वो आप नहीं चाहते कि वो आप उसको नुकसान पहुंचाए, तो तब भी हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।